नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूँ। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है, और इसके अंतर्गत आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह है नागा समुदाय। अब नागा समुदाय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रहने वाला एक समुदाय है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस नागा समुदाय से परिचय जो हो रहा है ये हमारे भारत के सांस्कृतिक गाथा का एपिसोड नंबर जो है वह देखा जाए तो ये एपिसोड नंबर 275 है, यानी इसके पहले 274 वीडियो हमारे चैनल पर आ चुके हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नागा समुदाय के बारे में, जो भारत के जो है वह समुदाय प्लेलिस्ट है और इंडियन कम्युनिटीज़, और उसके अंतर्गत में ही ये जो है वह एक हमारा टॉपिक है। तो देखिए, भारत में जो नागालैंड राज्य है उस नागालैंड में नागा जनजाति समूह, अभ्यास समझिएगा, मैं नागा जनजाति शब्द नहीं लिखा, नागा जनजाति समूह का मुख्य वास है, यानी नागा जो है वह समुदाय है और वो समुदाय जो है वह नागा जनजाति समूह के संदर्भ में देखा जाता है। तो नागा जो है वह वास्तव में देखा जाए तो नागा जो है वह कई जनजातियों का एक सामूहिक नाम है, और कई जनजातियों का तो छोटी छोटी जनजातियाँ जो है वह, यानी संख्या में आधार पर छोटी छोटी जनजातियाँ हैं, उनके आधार पर देखा जाए तो 66 छोटे छोटे समूह शामिल हैं इसमें, 66, और ये 66 जो है वह उसमें से 18 जो है वह ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं, 18 ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। इस 18 में नाम जो है वह मैं बता रहा हूँ, जैसे अंगमी है, एओ है, चांग है, कोन्याक है, वांचू है, ये सब के सब नागा है, ये सब नागा कम्युनिटी में ही आते हैं, नागा समुदाय के अंतर्गत में ही आते हैं, उसके बाद एटसेट्रा मैंने जो है वह लिख दिया। अब यही नागा समुदाय है, नागा समुदाय का जो है वह एक पारंपरिक वेशभूषा जो है वह होती है जिसमें मेल फीमेल जो है वह दोनों, और इसमें प्रधान तौर पर जो है वह अगर देखा जाए तो दो कलर का प्रयोग जो है वह बहुत अच्छा जो है वह होता है, एक लाल और एक जो है वह काला। ये आप गौर करके देखिएगा, आगे भी जो हम लोग चित्र देखेंगे उन चित्रों में तो लाल कलर और काला कलर, ये दो चित्रों दो रंगों का प्रयोग जो है वह काफ़ी जो है वह बड़ी संख्या में जो है वह किया जाता है, या मात्रा कहा जाए उसमें किया जाता है इनके द्वारा। अब ये जो नागा समुदाय हैं, ये नागा समुदाय ही हैं, नागा समुदाय चूंकि एक लड़ाकू जाति है, लड़ाकू कम्युनिटी है, वॉरियर कम्युनिटी है, तो ये वॉरियर कम्युनिटी के वेशभूषा में जो है वह ज़्यादा रहते हैं। ये 1870 का जो है वह एक पिक्चर है, यानी निश्चित तौर पर जो है वह ये ब्रिटिश भारत के समय की जो है वह बात है, और ये पिक्चर भी जो है वह 1905 की एक तस्वीर है, और इसमें वो पारंपरिक वेशभूषा में जो लड़ने की वेशभूषा है, वॉरियर की जो वेशभूषा, उस वॉरियर की वेशभूषा में जो है वह ये नागा समुदाय यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए, नागा समूह जो है वह नागालैंड में, मैंने बताया कि नागालैंड में तो है ही, नागालैंड के अतिरिक्त जो है वह कहाँ, मणिपुर, असम, अरुणाचल, इन क्षेत्रों में भी नागा हैं, और जो है इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में म्यांमार क्षेत्र में भी रहते हैं। अब नागा की जो है वह जो नागा जनजाति है उनकी कुल संख्या की बात की जाए तो उनकी कुल जो संख्या है वो करीब जनसंख्या 17 लाख के आसपास है, 17 लाख के आसपास है जो कुल जनसंख्या को बता रहा है। नागा जो है वह जो शब्द है वो नागा शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तो नाका से, और नाका जो है वह जो शब्द है वो एक बर्मी भाषा का शब्द है, यानी म्यांमार में जो बर्मी भाषा बोली जाती है उस बर्मी भाषा का शब्द है, जिसमें जो है वह कहा जाता है कान में बूंदे पहनने वालों, यानी नाका नाक नहीं, कान में बूंदे पहनने वाले जो है वह, कान में बूंदे पहनने वाले उनको जो है वह कहा जाता था नाका, और इसी से शब्द जो है वह बना है नागा, तो यहाँ नागा शब्द की उत्पत्ति जो है वह होती है। देखिए, ये मूलतः जो है वह मैंने बताया कि वर्तमान के नागालैंड राज्य में जो है वह हैं, तो ये जो है वह दरअसल इस पूरे क्षेत्र में, असम के ही क्षेत्र में 1828 के पूर्व जो है वो ब्रिटिश भारत असम में शामिल जो है वह नहीं था। 1828 में चाय के व्यापार को लेकर, चाय का ट्रेड जो है वह सबसे फायदेमंद ट्रेड था, इस वजह से उसके ट्रेड को लेकर जो है वो ब्रिटिश ने जो है वह क्या किया, असम के क्षेत्र के ऊपर जो है वह कब्जा किया और उसको अपने ब्रिटिश प्रांत का भाग बना लिया, और नागा पूरी तरीके से जो है वह तब तक स्वायत्त थे उसके पहले, यानी वे उसके असम में अहोम राज्य था, अहोम राज्य का भी जो है वह वहाँ पर शासन नहीं हुआ करता था नागालैंड में, बल्कि नागालैंड जो है वह जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से स्वायत्त जो है वह पहले से ही जो है वह था, स्वतंत्र था, और उनका स्वयं ही अपना जो है वह जनजातीय प्रशासन जो है वह चलता था, और उनका प्रशासनिक ढांचा पहले से काम करता था,
तो ये जो है, लेकिन जो है वह 1828 में जब पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता जो है वह आती है, तो पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता आने के कारण जो है वह उसने नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, और नया प्रशासनिक ढांचा कर खड़ा किया तो उस प्रशासनिक ढांचा में जो है वह नागालैंड के क्षेत्र को भी जो है वह ले आया। अब देखिए पारंपरिक रूप से नागा जो है वह गांव में जो है वह रहते हैं, यानी पहले भी नगरीय जो है वह क्षेत्र वहां पर नहीं है, आज भी नगर की आबादी कम है और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी ज़्यादा है, तो गांव में जो है वह रहते हैं और उनका वनीय अर्थव्यवस्था, उस वनीय अर्थव्यवस्था में कुछ जो है वह वन आधारित अर्थव्यवस्था और कुछ जो है वह कृषि आधारित। तो कृषि आधारित में जो है वह कैसे होगा वहाँ वन में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में एक कृषि होती है जिसे जो है वह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या जो है वह उसी को हम लोग जो है वह झूम कृषि भी जो है वह दूसरे शब्दों में जो है वह कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, यानी 20-25-30 सालों तक एक क्षेत्र में कृषि किया, फिर जो है वह क्षेत्र बदल लिया, फिर जो है वह कृषि किया, फिर क्षेत्र बदल लिया, ऐसे जो है वह क्षेत्र जो है वह लगातार बदलते रहते हैं, तो ये जो है वह इसी को हम लोग कहते हैं झूम कृषि। अब देखिए नागा जो समूह है, नागा समूह मैंने बताया था बहुत अच्छे योद्धा होते हैं और युद्ध कला जो है वह और वीरता को देखकर ही नागा के अंदर जो है वह सामाजिक परंपरा के अंतर्गत जो विवाह होता है, विवाह में जो है किसी योग्य वर की तलाश कैसे होगी, जैसे जो है वह हम लोग आज जो है वह मैदानी क्षेत्र के लोग जो है वह देखें तो योग्य वर की तलाश जो है वह ये होती है कि कौन जो है वह कितने जो है वह बड़े सरकारी ओहदे में है, कौन कितना कमाता है, कौन कितने जो है वह अच्छे जो है वह संस्थानों से पढ़कर निकला, ये जो है वह निकाला जाता है जो है वह वर की जो है वह अच्छे वर की पहचान। तो नागा में क्या है वर की पहचान, नागा में जो है वर की पहचान जो है वह बहुत ही अच्छा युद्ध कला और वीरता, यही जो है वह उसके उसकी पहचान है। हालांकि फिर भी जो है वह आज चूंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो कुछ परिवर्तन जो है वह हो गए हैं, लेकिन जो है वह ये ट्रेडिशनली आज भी जो है वह यही है कि उनकी युद्ध कला और उनकी वीरता ही जो है वह पहचान है। अब इस युद्ध कला के कारण, उनकी युद्ध कला के कारण ही जो है वह भारतीय सेना ने उसकी जो है युद्ध कला को जो है वह थोड़ा कहा जाए कि मान्यता दिया या उसको जो है वह संरक्षण देने का प्रयास किया, और इसी वजह से एक नागा रेजिमेंट जो है वह बना दिया है, और इस नागा रेजिमेंट में पूर्वोत्तर भारत के जो है वह लोग को शामिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें से केवल नागा ही नहीं अन्य जो समुदाय के लोग हैं वो भी एक अच्छे युद्ध जो है वह कला को जानते हैं, इसलिए जो है वह उनका इसमें शामिल किया जाता है। नागा जो समूह है, ये नागा समूह की भाषा के बारे में हम लोग चर्चा करें तो नागा समूह जो है वह चूँकि 66 जनजातियों का समूह है तो इसमें एक भाषा तो होगी ही नहीं, कई भाषाएं होंगी, तो उसमें से कौन कौन सी प्रमुख भाषा है, तो देखिए एक तो नागा भाषा भी है, उसके बाद कुकी भाषा, चीन भाषा, क्रियाल भाषा, यानी नागा भाषा, कुकी भाषा, चीन, क्रियाल और एट्सेट्रा लिख देना चाहिए, इसलिए कि इतनी ही भाषा नहीं है, इसके अलावा और भी दसियों भाषाएं हैं जो छोटे छोटे समूहों के द्वारा बोली जाती है, तो इन सब को जो है वह ये बोला जाता है। हालांकि वर्तमान समय में जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है उसमें नागा समूह में सबसे एक जो है वह प्रमुख भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा की स्वीकार्यता आ गई है, इंग्लिश जो है वह लोग बोलने लगे हैं, और इंग्लिश क्यों बोलने लगे हैं तो इसके कारण को समझिए। इसका कारण ये है कि 19वीं सदी के पूर्व इस समूह का अपना पारंपरिक धर्म था, 19वीं सदी के पूर्व तक इनका अपना पारंपरिक धर्म था, ये जो है जो जनजातीय धर्म होता है वो था, लेकिन इसके पश्चात जो है वह क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों जो है वह प्रवेश किए, जब ब्रिटिश भारत में ये शामिल हुआ तो ईसाई मिशनरी यहाँ प्रवेश की, और ईसाई मिशनरी के प्रवेश करने के पश्चात जो है वह यहाँ आज की बात की जाए 2023 की बात की जाए तो लगभग जो है वह लगभग 90% नागा जो है वह क्या है तो ईसाई धर्म जो है वह अपना चुके हैं, 90%, यानी उनका कन्वर्जन हो गया। अब जो है वह इसी कारण जो है वह क्या है कि ये कन्वर्जन हो जाने के कारण ही इस ये जो है वह क्या होता है वह अंग्रेजी भाषा से जो है इनका संपर्क बढ़ गया और अंग्रेजी जो है वह बोलने लगे। अब इसके बावजूद यानी 90% ये हैं, इसके बावजूद जो है वह क्या है कि नागा जो है चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जनजातीय समूह हैं, उसका वन क्षेत्र जो है वह है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या है इसमें एक धर्म या मान्यता है जिसे सर्वात्मवादी कहते हैं, और सर्वात्मवादी जो है वह मान्यता क्या है, सभी जीवों में आत्मा है, ये विचार है, तो एक दर्शन है, इस दर्शन में विश्वास करते हैं, सर्वात्मवादी दर्शन में विचार करते हैं, और इसके अलावा चूंकि वनीय जो है वह क्षेत्र में है और जनजातीय समूह है इसलिए जादू टोने, अंधविश्वास आदि तो यहाँ प्रचलित हैं ही,
वो आज भी प्रचलित हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रचलन इसका समाप्त हो गया है। अब देखिए क्या है, एक जो है वह नेता हुआ करते थे जिनका नाम है अंगमी जपू फीजो। अंगमी जपू फीजो ये नेता जो है वह हुआ करते थे, और ये 20वीं सदी में उनके नेतृत्व में 1940 ईस्वी के बाद ही जो है वह दरअसल एक गठन हुआ था काउंसिल का, जैसे हम लोग कहते हैं नागा नेशनल काउंसिल। और नागा नेशनल काउंसिल का जो गठन हुआ उसकी जो है वह डिमांड जो है वह जो थी वह था स्वतंत्र देश बनाना, यानी भारत से पृथक होकर एक स्वतंत्र देश बनाना इसकी जो है वह डिमांड थी। तो इस मुद्दे पर जो है वह गुरिल्ला युद्ध भी लड़े गए, और जो है वह बाद में उसको 1963 में नागालैंड राज्य की जो है वह मान्यता भी दे दी गई। लेकिन जो है वह उस मुद्दे पे आज भी जो है वह वहाँ कुछ न कुछ विवाद जो है वह चलता रहता है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार जो है वह उनसे बातचीत के क्रम में संपर्क स्थापित किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वह ये विवाद जो है वह चलता रहता है। और उसमें वृहद नागालैंड या नागालिम की मांग जो है वह आज भी जो है वह बनी हुई है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि खत्म हो गई है, ये अभी भी बनी हुई है। और ये जो है जो इनके ग्रुप हैं, इनके ग्रुप में दो जो है वह गुट बन गए हैं, जिनमें से एक जो है वह आइजेक मुइवा ग्रुप कहलाता है और एक जो है वह खापलांग ग्रुप। हालांकि आइजेक मुइवा जो उनके बहुत बड़े प्रसिद्ध नेता थे उनका निधन हो गया है, लेकिन ये ग्रुप जो है वह अपनी मांग पर आज भी जो है वह बना हुआ है। अब नागा समूह जो है वह उत्सव भी मनाते हैं और उत्सव के लिए जाने जाते हैं, और इनके जो है वह आठ बड़े बड़े त्यौहार हैं, आठ बड़े बड़े त्यौहार हैं, और इन जो है वह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जिनमें जो है वह कौन कौन से त्यौहार हैं नाम मैं बता दे रहा हूँ, शुक्रुनी, हॉर्नबिल उत्सव। ये हॉर्नबिल उत्सव मणिपुर में भी मनाया जाता है जो कि मणिपुर में भी नागा रहते हैं। हॉर्नबिल उत्सव, माउसी मोंग, सेक्रेनी, नाकयुलु लुमे, बुशु जीबा, एओलोंग मोन्यू, ये सब जो है वह क्या है फेस्टिवल के नाम हैं। ये सारे पर्व हैं, ये त्योहारों के नाम हैं, और ये त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों में होता क्या है, तो लोक नृत्य की परंपरा, लोक नृत्य होगा इसमें, संगीत होगा, ये लोक नृत्य की परंपरा इसमें बनी रहती है। ये जो है वह नागा वॉरियर की जो है वह एक है, और इसके देखिए इनके कानों में जो है वह बूंदे हैं, इसी से नाका शब्द जो है वह आता है, और वही जो है वह नागा जो है वह होता है। तो ये जो है वह भी जो है वह ये कोनियाक नागा है, ये कोनियाक नागा, उनके जो है वह सर पर जो है वह इस प्रकार के जो है वह मुकुट जो है होते हैं जो हड्डी के बने हुए होते हैं। इसके बाद जो है वह ये फेस्टिवल के अंदर जो है वह ये डांस का जो है वह एक है। तो मैंने बताया था वस्त्र जो है वह प्रायः आप देखिएगा कि काले और लाल रंग की जो है वह प्रमुखता है, आप देखिए ब्लैक और रेड ये जो है वह काफ़ी प्रमुखता से, यहाँ भी जो है आप देखिए ये डांस हो रहा है जिसमें जो है वह सेक्रियानी जो है वह फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और उसमें मुख्य रूप से जो पुरुष वर्ग हैं वो लाल जो है वह ड्रेस पहने हुए हैं और महिलाएं जो है वह ब्लैक जो है वह पहनी हुई हैं। अब आज के समय में जो वह मैंने जो नागालिम की चर्चा की उसको जो है वह देखिए देखिए ये वर्तमान का नागालैंड है, ये वर्तमान का नागालैंड ये, और जो नागा समुदाय जो है वह जो रहते हैं उसके क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कहाँ पर रहते हैं, तो ये इतने बड़े क्षेत्र में नागा रहते हैं, इतने बड़े क्षेत्र में नागा रहते हैं। तो अब आप गौर करके देखिए, उत्तरी मणिपुर, इसके बाद असम का जो है वह पूर्वी क्षेत्र, अरुणाचल का उत्तरी जो है वो और पूर्वी क्षेत्र, इसका म्यांमार का हिस्सा, और नागालैंड तो है ही, ये सारे हिस्से में जो है वह ये नागा रहते हैं। और इसीलिए जो बृहत्तर नागालिम की मांग है या बृहत्तर नागालैंड की मांग है वो इस रूप में हम लोगों को देखने को मिल सकती है कि ये जो है वह ये है बृहत्तर नागालिम, यानी इसमें केवल भारत का ही हिस्सा नहीं बल्कि जो है वह भारत के अतिरिक्त जो है वह म्यांमार का भी हिस्सा है जो नागालिम के अंतर्गत मांग जो है वह है। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।